विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2022 की जो अब एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम अब आपका ऑफलाइन होगा, जिसमें हिंदी के 35 प्रश्न और एप्टीट्यूड के 35 प्रश्न और इसके अलावा आपके 30 प्रश्न गणित के पूछे जाएंगे। कक्षा 7 की आज तक कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं हुई है, इसलिए आपको कहीं भी मॉडल पेपर मिलने वाले नहीं है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने यहाँ पर मॉडल पेपर के तौर पे 30 प्रश्न लिए थे, जिनमें से मैंने 20 प्रश्न पहले वीडियो में आपको बताए हैं। आज मैं उन्हीं का जो शेष भाग है 10 प्रश्न लेकर के आया हूँ, जिससे आपको एक पेपर का आइडिया मिल सके और आप इन प्रश्नों को हल करके अपनी परीक्षा जो है सुगम कर सकते हैं। मेरा ऐसा प्रयास है और आप लोग मेरा साथ भी दे रहे हैं। कमेंट्स भी आप जरूर करिए और आपको कौन कौन से पेपर चाहिए, उनकी कौन से आपके टॉपिक कमज़ोर हैं, उन सब पर हम वीडियो बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, देखते हैं आज के 10 प्रश्न। पहला प्रश्न है 50 की घात 0 का मान है 50, 0, 1 या फिर इनमें से कोई नहीं। हमें याद रखना है सदैव इस पर एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किसी भी अशून्य मतलब शून्य संख्या ना हो, अशून्य संख्या की घात यदि शून्य हो तो इसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब 0 की घात 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी संख्या हो जो अशून्य हो यानी शून्य के बराबर ना हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो यहाँ देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यदि वह 10 वर्ष पहले 35 वर्ष का था। ऑप्शन ए 55 वर्ष, ऑप्शन बी 45 वर्ष, ऑप्शन सी ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो यहाँ पर इस प्रश्न को अगर आप मुंहजवानी करना चाहें तो वर्तमान आयु यहाँ पूछा जा रहा है, तो अगर मेरी वर्तमान आयु हमसे कोई पूछता है तो हम आज की उम्र बताते हैं। मान लिया हमारी उम्र 30 वर्ष है तो हम 30 वर्ष बताएंगे, अगर कोई पूछे 10 वर्ष पहले कितनी थी तो हम 20 वर्ष बताएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से आप देखें, इसकी जो है 10 वर्ष पहले 35 वर्ष थी उम्र, ये देखें 35 वर्ष, तो अगर आप इसमें पहले की है तो 10 वर्ष आप इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगी 45 वर्ष, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। लेकिन आप इसे बीजगणित की भाषा में कैसे लगाएंगे, माना वर्तमान, माना मोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष प्रश्नानुसार, क्योंकि आज वो x वर्ष का तो 10 साल पहले x माइनस 10 वर्ष का रहा होगा, वो उम्र कितनी है 35, बराबर कर देंगे 35, तो x माइनस 10 बराबर 35, तो x बराबर हो जाएगा 35 प्लस 10, तो x बराबर 35 और 10 45, यानी उसकी उम्र हो जाएगी 45 वर्ष। ये था आपका बीजगणित से कैसे करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला अगर प्रश्न देखें तो है, यदि विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं जिनमें से 60 बच्चे बीमार पड़ गए तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, कुल 200 बच्चे हैं, उनमें से बीमार बच्चे बराबर 60 हो गए। अब स्वस्थ बच्चे, तो चूंकि 200 में से 60 घटा देंगे तो हमारे पास स्वस्थ बच्चे बचेंगे 140। अब दोनों का अनुपात निकालेंगे। अनुपात में सिर्फ एक चीज़ ध्यान ये रखनी है कि किसका अनुपात पहले रखना है। तो यहाँ पर देखें, पहले पूछ रहा है स्वस्थ बच्चे और फिर है बीमार बच्चे, तो सबसे पहले स्वस्थ बच्चे हमारे पास हैं 140, तो 140 का अनुपात निकाल देंगे 60 से, तो ये बराबर हो जाएगा 140 बटे 60। 0 0 काट देंगे और 6 को काट देंगे हम लोग, 2 3 6 14 को काट देंगे, 2 7 14, तो आ जाएगा 7/3 यानी 7:3। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल सही निकल आएगा, तो हम यहाँ से ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक घन की प्रत्येक कोर 6 मीटर है, इस घन का आयतन क्या होगा। कोर माने होता है भुजा,
तो चूंकि घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, तो यहाँ पर भुजा है 6, तो हो जाएगा 6 की घात 3, और 6 की घात जब हम 3 करेंगे तो 6 को 3 बार गुणा करेंगे, 6×36, 6×2 216। चूंकि आयतन जो है उसका जो इकाई होती वो होती घन, आगे जो भी हो मीटर सेंटीमीटर, तो घन मीटर, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। और यहाँ से मतलब इसको ढंग से करने के बाद ही आंसर लगाइएगा, कभी कभी हम लोग ये कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि यहाँ 216 यहाँ भी 216, वर्ग मीटर और घन मीटर में अंतर करने के बाद ही आंसर को लगाएं, क्योंकि ऐसे अक्सर बच्चे प्रश्नों को गलत कर देते हैं। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपये में खरीद कर 11 रुपये में बेचता है, प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत लाभ का मतलब होता है प्रत्येक 100 पे कितना होगा। अगर आप इसे मुँह जबानी करना चाहें तो मुँह जबानी में अगर देखें तो अगर हम 10 किताब खरीदते तो हमें 100 रुपये पड़ती, और अगर हम उसे 11 रुपये के हिसाब से बेचते तो ये 110 रुपये की होती, तो सीधे सीधे 100 रुपये पर 110 की बिक्री है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपये यहाँ पर एक्सेस हैं, 100 रुपये पर तो उसका लाभ हो जाएगा 10%। तो आप यहाँ से भी इस प्रश्न को बहुत आसानी से लगा सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले अगर प्रश्न में आप देखें कि 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज का सूत्र ही होता है मूलधन समय इंटू दर बटे 100। जैसे ही आप इसे रखेंगे तो आपका आंसर जो है यहाँ से 180 आ जाएगा। तो कुल मिला के आप यहाँ से इस प्रश्न को भी बहुत आसानी से सूत्र पे रख करके कर सकते थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सात समानुपात से है, एक्स अनुपात 10 समानुपात 20 अनुपात 40 में एक्स का मान क्या होगा। तो इसे आप लिख लेंगे एक्स बटे 10 बराबर 20/40, तो 20 और 40 को आप काट देंगे तो ये आ जाएगा 20 × 20, 20 × 40 यानी 2 बचेगा, तो 2x/10, तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा 5, यानी यहाँ से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही निकल के आ जाएगा। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो इसमें बीजगणित का है, x-2y + 3y - x - 3x - 2y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम x-2y + 3y - x लिख लेंगे, उसका चूंकि माइनस है तो अंदर का चिन्ह जो है बदल जाएगा, 3x - 2y हो जाएगा, सारे पद आपके कटते हुए नजर आएंगे और आपका बचेगा 3y - 3x, और 3 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 × y - x, यानी यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल सही निकल आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न सिंपल भिन्न से है लेकिन एक अच्छा प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। राजेश के पास एक बोतल है जिसमें पूरी भरने पर उसमें 12 मिलीमीटर दवा आती है। अभी इस बोतल में 3/4 भाग भरा हुआ है, बोतल में कितनी दवा है। बेहद आसान प्रश्न है। तो इस बोतल की जो धारिता है, जो कैपेसिटी है, वो 12 मिलीमीटर है। अब 3/4 इसका हिस्सा भरा हुआ है, तो कितनी भरी हुई, तो 3/4 × 12 कर दीजिए, 4×4 = 12, 4×1 = 4, 4×2 = 4, 4×3 = 12। तो आपने यहाँ पे देखा 3 × 3 = 9, यानी उसमें 9 ml दवा जो है वो भरी हुई है, तो आप यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भाग 6 ब्राइट बॉक्स 6 और भागफल आएगा
छः। तो कह रहा खाली स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए, तो हम पहले सिक्स वन जा सिक्स करेंगे यानी छः एकम छः करेंगे और बॉक्स को और सिक्स पहले बॉक्स को उतारेंगे। तो देखिए बॉक्स को जब मैंने उतारा तो यहाँ पर जीरो बार भाग जा रही, इसका मतलब यहाँ पर छः से कम संख्या रही होगी। तो छः से कम हालांकि यहाँ पर छः को छोड़ के सभी हैं। फिर मैंने छः को जब उतारा तो ये हो गया होगा यहाँ पे बॉक्स और छः। अब आप समझिए कि छः बार भाग ले जानी तो छः चरंग 36 हुआ, 36 तभी आएगा जब इस बॉक्स के स्थान पर तीन हो, तो यहाँ से आंसर तीन आ जाएगा। शायद आज के ये प्रश्न आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको ऐसे प्रश्न मिलते रहेंगे और आप इन प्रश्नों से प्रेरणा लेते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो इसे आप लाइक कर दीजिए और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को इन्हें आप शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।